यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं और इन 100 दिनों में बाबा ने अपना करीब करीब जो वचन था उसको पूरा किया। माफियाओं के खिलाफ बाबा का सख्त एक्शन जारी है। 100 दिनों में 500 एनकाउंटर किए गए। माफियाओं से 192 करोड़ से अधिक की वसूली की गई। मैं राष्ट्रवादी अंजनी कुमार सिंह आज आपको बताता हूं कि क्यों यूपी की जनता कह रही है कि वाकई राम राज आ गया है। बाबा ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर शानदार काम किया। अपराधियों पर कानूनी बुलडोजर चल रहा है। आज ही सहारनपुर के माफिया हाजी इकबाल का किलानुमा जो घर है उसको बुलडोजर ने खंडहर में तब्दील कर दिया। कानपुर में बाबा बिरयानी का आउटलेट सील करते हुए मुख्तार बाबा पर शिकंजा कस दिया गया है। मैं अंजनी कुमार सिंह आपको बताता हूं कि यूपी की जनता बाबा के 100 दिनों की तारीफ क्यों कर रही है। वो इसलिए कि पहले माफिया परस्ती होती थी और थानों में माफिया कैंप लगाते थे, लेकिन बाबा के रामराज में थानों में अब माफियाओं पर भी बुलडोजर चलता है। बाबा के 100 दिन माफिया के दुर्दिन। एनकाउंटर माफिया से 192 करोड़ वसूले। माफिया मुक्ति यूपी बेखौफ जिंदगी। बाबा ने 100 दिन में कमाल का कारनामा कर दिखाया है। यूपी में बाबा ने वाकई राम राज ला दिया है। बाबा के राज में न तुष्टिकरण है और न माफिया परस्ती, सिर्फ कानून का हंटर चल रहा है। जीनत बेगम को बाबा दिलाएंगे न्याय। बाबा बिरयानी का पैकअप, मुख्तार पर हंटर। जीनत बेगम कानपुर के पौश इलाके स्वरूप नगर में रहती हैं। माफिया मुख्तार बाबा ने कुछ साल पहले उनसे 2 दुकानें किराए पर बाबा बिरयानी का आउटलेट खोलने के लिए ली थी। जीनत ने एक बार उसे पांव रखने की जगह कह दी। मुख्तार बाबा अपने रंग दिखाने लगा। उसने जीनत और उसके बेटों को जान से मारने की धमकी देकर 8 दुकानों पर कब्जा कर लिया। करोड़ों की मार्केट बनाने वाली जीनत की हालत ऐसी कर दी कि इन दिनों वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हैं। कानपुर की पुलिस भी मुख्तार बाबा के रसूख के आगे जीनत की कभी नहीं सुनी। जब जीनत ने बाबा बुलडोजर का दरवाजा खटखटाया तो एक्शन शुरू हुआ। अब जीनत को उम्मीद है कि मुख्तार बाबा का सही इलाज बाबा बुलडोजर ही करेंगे। मगर उम्मीद तो थोड़ी बहुत तो जागी है। उनसे तो यही कहना चाहेंगे कि साहब हमको इंसाफ बच चाहिए, और ये गुंडे जो बैठे हैं मेरे मरने के बाद तो वो खुद ही खा लेंगे मार्केट में, तो मेरा बेटा तो इकलौता है ना इस बिल्डिंग का। माफिया हाजी इकबाल का इकबाल खत्म। 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क। ये तस्वीरें सहारनपुर के बाहुबली नेता हाजी इकबाल के आलीशान मकान के खंडहर होने की हैं, जिसे आज बाबा ने बुलडोजर प्रहार से चकनाचूर कर दिया। हाजी इकबाल की 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। उसकी तमाम अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चढ़ाकर उसकी औकात 2 कौड़ी की कर दी है। उसके 2 बेटे जेल की चक्की पीस रहे हैं। एक खनन माफिया हाजी इकबाल के यहाँ पे और उसके रिश्तेदारों के यहाँ पे 3 मकान हैं, जिसमें से 1 मकान ऐसा है जिसका नक्शा नहीं पास हुआ है और 2 मकान ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण द्वारा जो नक्शा पास किया गया है उससे अतिरिक्त यहाँ पर निर्माण कर लिया गया है। अब विकास प्राधिकरण के द्वारा जो भी आदेश पारित होंगे जो उसका प्रशासन द्वारा इम्प्लीमेंटेशन करवाया जाएगा। धन्यवाद। पूर्वांचल के 2 माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी जेल की चक्की पीस रहे हैं। योगी राज से पहले जिन माफियाओं के नाम से जनता कांपती थी, अब वो माफिया यूपी में कांप रहे हैं, जान बख्शने की गुहार लगा रहे हैं। मुख्तार बांदा जेल में बंद हैं और अतीक अहमद अहमदाबाद में कैद हैं। और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। बाबा बुलडोजर ने अपने दूसरे कार्यकाल में
12 माफियाओं को टारगेट कर एक्शन शुरू किया। 25 मार्च से 4 जून तक 192,40,00,000 की संपत्ति जब्त की गई है। इनमें गाजीपुर मऊ में मुख्तार अंसारी की 14,31,00,000, प्रयागराज में अतीक अहमद की 5,00,00,000, बलरामपुर में पूर्व सांसद रिजवान जहीर की 14,30,00,000, अंबेडकर नगर में गैंगस्टर खान मुबारक की 1,93,00,000, आजमगढ़ में कुंटू सिंह की 4,80,00,000, मुजफ्फरनगर में संजीव महेश्वरी की 4,00,00,000 संपत्ति जब्त की गई है। जबकि बाबा के पहले कार्यकाल को मिलाकर अब तक यूपी के 62 माफियाओं पर गाज गिराते हुए 284 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। माफिया जेल में है, 18 माफिया मारे गए हैं। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए योगी राज 2 में अपराधियों का धड़ाधड़ एनकाउंटर जारी है। अब तक 525 अपराधियों का एनकाउंटर हुआ है, 1034 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में 425 बदमाश घायल हुए हैं। सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए माफियाओं की पहचान कर उन्हें लगातार ठिकाने लगाया जा रहा है। 2433 गुंडों बदमाशों की पहचान की गई है। 17,169 केस दर्ज किए गए हैं। 1645 को गिरफ्तार किया गया है। 134 ने कोर्ट में सरेंडर किया है। 36 पर NSA लगाया गया है। 788 के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। 618 पर गुंडा एक्ट लगाया गया है। लेकिन तुष्टीकरण गैंग को लगता है कि बाबा के राज में कुछ हुआ ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है। क्या यह सच्चाई नहीं है? 100 दिन में उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, गांव, गरीब पूरी तरह दुखी है, परेशान है, हताश है, निराश है। हाईस्कूल और इंटर के परीक्षा का पेपर आउट होता है, नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा, नहीं तो और क्या है। बाबा ने 100 दिनों में अपना वचन निभाकर दिखा दिया है कि वो जो कहते हैं उसे करते हैं। उनका वचन ही शासन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल राष्ट्रवाद में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।